कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे बीच एओआर पटना से आए हुए मृत्युंजय जी, उनसे हम जानना चाहेंगे आज क्या कुछ हुआ। आज लगातार सातवें दिन शिक्षकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब ने बहस शुरू किया। बहस की शुरुआत में ही उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे रोए जा रहे फंड के मैटर को तार तार कर दिया और बार बार जो सरकार मिसलीड कर रही है कोर्ट को कि हमारे ऊपर इतना बड़ा बर्डन है, इतना करोड़ का हैप्पी अमाउंट का हमारे ऊपर बर्डन है जो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, उस पर संवैधानिक पहलुओं कानूनों को दिखाते हुए कि ऐसा कोई बर्डन नहीं है और जो भी बर्डन है वो सरकार को पूरा करना है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार का और सरकार इससे भाग नहीं सकती है। यह नहीं कह सकती है कि हमारे पास फंड नहीं है इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद जो फंड के मैटर में मिसलीडिंग किया जा रहा था उस पर भी उन्होंने सारा हिसाब बता के दिखाया कि सरकार को सिर्फ अभी 4000 करोड़ का बर्डन है और इससे ज़्यादा सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बर्डन नहीं है। सरकार कोर्ट को झूठ बोल रही है कि हमारे पास ये बहुत बड़ा अमाउंट का बर्डन है और इन सब पहलुओं को दिखाते हुए कोर्ट को सारे कानूनी प्रावधानों को दिखाते हुए सिब्बल साहब ने बहुत ही अच्छा तर्क रखा है। जो मुख्य रूप से सरकार का जो आज अभी तक हथियार अपना इस्तेमाल कर रही थी, रोना रो रही थी फंड का, उस पर बहुत ही अच्छा एक तर्क रखा गया है कपिल सिब्बल साहब की ओर से और जज साहब भी उससे सहमत होते हुए नज़र आ रहे थे। इसलिए हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूती से रखा जा रहा है, एक एक बिंदु को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।